आज हम सीखेंगे स्पेसिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, पहला हम इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, प्रोपोगेशन डिले टाइम, उसके बाद फैन इन फैन आउट, फिर उसके बाद है पावर डिसिपेशन, उसके बाद है नॉइस मार्जिन। वन बाय वन सभी को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोपोगेशन डिले टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोपोगेशन डिले टाइम में, जैसे कि कोई मेरा लॉजिक गेट या हमारा आईसी है, ठीक है, उसको हम कुछ भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो हमें आउटपुट देता है। इट मीन्स डिले हुआ मतलब कोई भी आपने कभी सुना होगा कंप्यूटर किसी भी हम सर्च करते हैं तो उसको निकालने में कम से कम 10 सेकंड या 0.4 सेकंड कुछ भी लगाता है तो वो क्या है प्रोपोगेशन डिले। इट मीन्स जो आउटपुट वो दे रहा है वो कितने डिलेशन के बाद ऑफ टाइम दे रहा है वो होता है हमारा प्रोपोगेशन डिले। तो इसका एक छोटा सिंपल सा हमारा डायग्राम है, फ्लो चार्ट फ्लो डायग्राम है। लेट सपोज ये मेरा इनपुट है, ठीक है, ये मेरे सर्किट को गया तो इसका इनपुट ये लिख दिया हमने और ये आउटपुट है। तो इसमें क्या हो गया, आउटपुट जो है मेरा कैसे आएगा, इनपुट यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन आउटपुट यहाँ से नहीं, थोड़ा सा डिले होके फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जब इनपुट जब पूरा खत्म होगा तो आउटपुट बहुत लेट के बाद हमारा आया। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोगेशन डिले टाइम। इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है लो टू हाई प्रोपोगेशन डिले टाइम, एक होता है हाई टू लो प्रोपोगेशन डिले टाइम। इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई था, हाई से लो आया तो हाई टू लो प्रोपोगेशन टाइम डिले टाइम हो गया, और जब लो से हाई गया तो इसको लो टू हाई प्रोपोगेशन डिले ऑफ टाइम बोलेंगे। उसके बाद आता है फैन इन फैन आउट। फैन इन में क्या होता है, ये ना बताता है फैन इन में कोई भी लॉजिक गेट है उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो होता है फैन इन। लेट सपोज आपको पता है नैंड गेट में हम कितने भी नंबर ऑफ इनपुट से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इनपुट डाल सकते हैं, एक आउटपुट होता है इसका, तो ये मेरा फैन इन हो गया। और फैन आउट में क्या होता है, किसी लॉजिक गेट या आईसी से हम कितने नंबर ऑफ आउटपुट गेट बना निकाल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये है, ये नॉट गेट है मेरा, ये नॉट गेट है, उसमें हमने क्या किया, इसके आउटपुट से हमने डिफरेंट डिफरेंट और आउटपुट ले लिया बाय द कनेक्टेड डिफरेंट आईसीज। इसका तो डिफरेंट आईसी हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं, बट इसका एक नुकसान है कि जितने ज्यादा आप आईसीज कनेक्ट करके आप गेट बढ़ाओगे उतने ज्यादा इसकी एक्यूरेसी बिगड़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद होता है पावर डिसिपेशन पढ़ेंगे। पावर डिसिपेशन में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ पावर देन एन आईसी डिसिपेटेड इन ए गिवन बाय द एवरेज सप्लाई करंट। जब हम अपने आईसी को करंट प्रोवाइड कर देते हैं, उससे हम कोई आउटपुट लेना होता है तो वो जो पावर हम जो उसको दे रहे हैं आईसी को, वो भी अपने वर्किंग के लिए यूज कर लेता है, तो वो होता है पावर डिसिपेशन। इसका फॉर्मूला होता है पीडी इज इक्वल टू आईसी इनटू वी। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है आई करंट इनटू वोल्टेज। जो हमारा जो भी हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं आईसी को, ये उससे ड्रॉ करता है पावर फॉर आईसी वर्किंग एंड बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ करंट एंड द वोल्टेज। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉइज मार्जिन क्या होता है। जब हमारे इसमें आईसीज में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उससे क्या होता है कि नॉइज क्रिएट होता है। वो नॉइज क्रिएट को जो टॉलरेट करने की एबिलिटी होती है ऑफ नॉइज वोल्टेज इज नोन एज द नॉइज मार्जिन। इसका एक फिगर हमें पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा लॉजिक वन है, ये लॉजिक जीरो है, ठीक है, ये मेरा इनपुट है जो मुझे देना है आईसी को। वी ओ एच ये क्या होता है, वी ओ एच मतलब आउटपुट हाई मिनिमम और आउटपुट लो मैक्सिमम। लॉजिक वन लॉजिक जीरो, इसमें क्या होता है, हम जब लो वोल्टेज को डिफाइन करते हैं तो उसका मैक्सिमम रेंज बता देते हैं कि उसकी मैक्सिमम रेंज इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो लॉजिक जीरो मतलब लो में आएगा, वोल्टेज लो में आएगा। अगर हम वोल्टेज हाई डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका एक मिनिमम रेंज बताते हैं कि इससे नीचे अगर वो चला जाएगा तो कभी भी मैक्सिमम वोल्टेज में नहीं आएगा। तो ये मेरा वी एन एच है और ये मेरा वी एन एल है, ये वोल्टेज
लो के लिए जिसमें हम मैक्सिमम डिफाइन करते हैं, और वोल्टेज हाई के लिए हम मिनिमम डिफाइन करते हैं। इसके रेंज में जो आते हैं वो सारे हमारे आउटपुट नॉइज मार्जिन का लेवल होता है।